वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसे 30 करोड़ ग्रह हैं जहां हो सकता है जीवन मुमकिन। ब्रह्मांड में वर्षों से धरती जैसे दूसरे ग्रह की तलाश चल रही है, लेकिन खगोल वैज्ञानिक के हाथ अब जाकर इसके पुख्ता संकेत मिले हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एक्सोप्लैनेट के जुटाए आंकड़ों से पता चलता है कि आकाशगंगा में धरती जैसे 30 करोड़ ग्रह हैं जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। केपलर द्वारा करीब एक दशक तक एकत्र किए गए आंकड़ों को मिलाकर खगोल वैज्ञानिकों में इन धरती जैसे ग्रहों की गणना की है। डाटा का विश्लेषण करने वाले 44 खगोल वैज्ञानिकों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने उन ब्रह्मांड ग्रहों को खोजा है जो पृथ्वी के ही जैसे हैं, जिनकी सतह पर पथरीली होने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही उनकी सतहों पर तरल पानी के अनुकूल हालात भी गौर किया गया है। इसके अलावा सूर्य जैसे तारों के आंकड़ों को भी जुटाया है। केपलर साइंस ऑफिस के निदेशक और अध्ययन के सह लेखक जेब कागलिन का कहना है कि ताज़ा परिणाम से हम ब्रह्मांड में दूसरी जगह जीवन ढूंढने के एक कदम और करीब आ गए हैं। यह पृथ्वी से दूरसंचार योग्य सभ्यताओं की संख्या का आकलन करने में उपयोगी डार्क इक्वेशन के लिए अहम कार्य है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की खगोल वैज्ञानिक नताली बटलर का कहना है कि केपलर अभियान के डाटा प्रकाशित होने तक भले ही 11 साल लग गए, लेकिन यह अहम जानकारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आकाशगंगा में रहने योग्य ग्रहों की तादाद पूर्व में जताए अनुमानों से दोगुनी हो सकती है। केपलर स्पेसक्राफ्ट को 2009 में आकाशगंगा में एक जगह मौजूद 1.5 लाख तारों की निगरानी के लिए 3.5 साल के लिए मिशन पर भेजा था। केपलर ने ईंधन खत्म होने तक 2018 तक कार्य किया। केपलर का औपचारिक लक्ष्य एटा अर्थ की संख्या पता लगाना था। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के समान सबसे नज़दीक ग्रह हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर हैं और 4 ग्रह 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने चाहिए। नासा का अनुमान है कि आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, जिनमें से 4 अरब सूरज जैसे हैं। अगर इनमें से केवल 7% तारों में जीवन योग्य ग्रह हैं, तो इस हिसाब से अकेले आकाशगंगा में 30 करोड़ धरती मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार 90% तारों के आवास योग्य क्षेत्र में धरती के समान पथरीली चट्टाने हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।